गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कैसे हो सभी ठीक बढ़िया ओके तो ठीक हो ना ओके तो चैप्टर कंटिन्यू करेंगे हम हैलोवेल केन्स हेलोरिन जिसमें हम आज टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ हेलोरिन्स तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एन एस आर हेलोरन्स पे होता है बट डिफिकल्टी से होता है तो उस डिफिकल्टी को ईजी करने के लिए हमें चाहिए ड्रास्टिक कंडीशन हार्श कंडीशन या फिर ऐसा ग्रुप लगा दे हम जो कि उनमें हेल्प करे तो ग्रुप हमारे पास कौन सा था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑन हेलोरिन कैसे होती है उसका मैकेनिज्म क्या होता है ये सब जानेंगे अभी चलिए शुरू करते हैं ओके okay, तो एक जनरल रिएक्शन मैं लिखता हूं एक बार वो क्या है लेट से आई हैव दिस कंपाउंड ये बेंजीन है ये इस पे हेलोजन अटैच है एक्स हेलोजन है आई हैव इलेक्ट्रोफाइल हियर तो इलेक्ट्रोफाइल सब्सटीट्यूट करेगा हाइड्रोजन को तो एक्स हमारे पास यहां पे है इलेक्ट्रोफाइल अगर यहां लगता है तो एच पॉजिटिव निकलेगा इलेक्ट्रोफाइल हमारा एक और जगह लग सकता है और वो जगह है ये वाली यानी कि पैरा पोजीशन यहां से भी H प्लस बाहर निकलेगा तो सब्सटीट्यूशन केस ऑफ एलोरिन दो जगह पर होता है एक ओर्थो प्लेस और दूसरा पैरा प्लेस मेटा पर नहीं होता है तो ओर्थो पर क्यों होता है उसके बारे में जानेंगे मैकेनिज्म के थ्रू और रेजोनेंस करेंगे तो हमको बेहतर क्लियर होगा उससे पहले एक और बात जान लेते हैं कि हेलोजन की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है हेलोजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये एक तरह का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो गया तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है जिस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विद्रॉ करता है उस इफेक्ट का नाम है इंडक्टिव इफेक्ट तो बाय इंडक्टिव इफेक्ट हेलोजेंस विदड्रो इलेक्ट्रॉन तो जब इलेक्ट्रॉन विदड्रो किए जाते हैं बाय इंडक्टिव इफेक्ट तो उसका सिंबल होता है माइनस आई तो माइनस आई इफेक्ट के जरिए हेलोजेंस इलेक्ट्रॉन विद्रॉ करते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है दूसरी बात ये पहली बात थी दूसरी बात हेलोजेंस पे लॉन पेयर होते हैं एंड दीज लॉन् पेयर कैन टेक पार्ट इन रेजोनेस तो इस केस में हेलोजन काम कर रही है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का रेजोनेंस के जरिए इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दिए जा रहे हैं तो जो इफेक्ट का सिंबल हम यूज करेंगे विल बी प्लस आर इफेक्ट बात सब ये वाली ओके इन दोनों इफेक्ट में से जो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है वो माइनस आई है तो माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है प्लस आर इफेक्ट से एंड बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट हेलोजन जो है ये बन जाते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है एक ऐसा ग्रुप जो कि बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम कर दे समझे आती वाली तो हेलोजन आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बिकॉज दे रिड्यूस रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग लेकिन प्लस आर इफेक्ट की वजह से सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो और पैरा पर होता है तो दो बात हमें यहां ध्यान रखनी है पहली बात कि हेलोजन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है यानी कि वो बेनजीन की रिएक्टिविटी को कम कर देता है और दूसरी बात प्लस आर इफेक्ट होने की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हो पाता है ठीक है समझ गए बात ये वाली अब रेजोनेंस करके देखते हैं कि पैरा पर ही क्यों होता है ये नोट कर लेंगे इस चीज को तो चलिए बच्चे जरा ध्यान देते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेजोनेंस की पैरा पर सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है ठीक है तो बेंजीन रिंग हमारे पास है वी हैव हेलोजन जिसपे प्रेजेंट है लोन पेयर तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कुछ इस तरह से होगी इसमें ट्रिक क्या है लोन पेयर की हेल्प से बॉन्ड बनाएंगे और बॉन्ड तोड़ के हम लोन पेयर फॉर्म करेंगे तो ये एक छोटी सी ट्रिक है हमारे पास रेजोनेंस करने की विन वेन वी हैव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो लोन पेयर से बॉन्ड बनेगा और बॉन्ड टूट के बनेंगे लोन पेयर तो हमें मिलेगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड एक्स पॉजिटिव पेयर नेगेटिव और बाकी बॉन्ड रहेंगे एज इट इज ठीक है सो ध्यान दें नेगेटिव चार्ज या लॉन पेयर आए है पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल पे होता है पॉजिटिव चार्ज मतलब इस पर होते हैं एमपिटी ऑर्बिटल और एमपटी ऑर्बिटल को क्या चाहिए एम्पटी ऑर्बिटल को चाहिए पेयर और पेयर किस जगह पर प्रेजेंट है ऑर्थो पर प्रेजेंट है इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पर अटैच होता है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं तो पेयर से बॉन्ड और बॉन्ड से लॉन पेयर तो हमें मिलता है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर अब अगर ध्यान दे तो लॉन पेयर आते हैं पेरापोजिशन पे दिस इज योर पैरापोजिशन इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज है पैरा पोजिशन पे लॉन पेयर है तो लॉन पेयर अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लगेगा हमारा पैरा पोजिशन पे अटैच हो जाएगा तो दैट इज वाई विन वी हैव हेलोजन जो कि प्लस आर इफेक्ट शो करता है तो सब्सटीट्यूशन ओर्थो पर होता है और पैरा पर होता है सुमर के सब बातें वाली ओके okay. नोट कर लेंगे ये भी तो चलिए बच्चे अब जरा एक जनरल मैकेनिज्म हम कर लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का उसके बाद हम जाएंगे अपनी रियल रिएक्शन के ऊपर तो वी विल बी परफॉर्मिंग ए मैकेनिज्म फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन अब बहुत सिंपल है ये सो so, मेरे पास प्रेजेंट है हेलोजन एक्स विदलॉन पे ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे तो मैं हाइड्रोजन को भी शो कर देता हूँ यहाँ पे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे मेरे पास है ई पॉजिटिव ठीक है तो क्या होगा ये इधर और ये इस पे अटैक कर देगा क्लियर अब लोन पे से बॉन्ड यहां बनेगा और ये बॉन्ड टूट के ई e के साथ बॉन्ड बना लेगा तो बॉन्ड हमारा इस कार्बन पर बनेगा ठीक है यहां पे तो डबल बॉन्ड बन चुका है सो आई विल गेट दिस स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड एक्स पॉजिटिव ये बॉन्ड रहेंगे एज इट इज एक बॉन्ड H के साथ है एक बॉन्ड बनेगा हमारा E के साथ ध्यान दे ओवरऑल चार्ज जहां पॉजिटिव था तो यहां पर भी ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव ही होना चाहिए इसलिए सिर्फ पॉजिटिव हमारा यहां पर ही आया ठीक है बात ये वाली अब अब हमें इस H को बाहर निकालना तो H बाहर निकलेगा कंप्लीट रेजोनेंस होने के बाद किस तरह से बाहर निकलेगा वो तो विल परफॉर्म रेजोनेंस हियर तो ये इधर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं तो H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा और ये बॉन्ड हमारा यहाँ शिफ्ट होगा सो वी विल बी बी परफॉर्मिंग रेजोनेंस हियर ध्यान देंगे केयरफुली डबल बॉन्ड X पॉजिटिव इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस जगह पे डबल बॉन्ड बना गए ये डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड यहाँ पे लोन पेयर दे जाएगा हमें और ये बॉन्ड रहेगा एज इट इज तो ई e अटैच है यहां पे और एच पॉजिटिव हमारा बाहर निकल गया क्लियर अब फर्दर करेंगे रेजोनेंस को आगे बढ़ाएंगे तो कुछ ऐसा हमें मिलेगा ठीक लॉन पेयर यहां पर आ गया यहां बॉन्ड बन गया यहां बॉन्ड बन, बन गया डबल बॉन्ड एक्स पॉजिटिव और यहां प्रेजेंट है ई एच पॉजिटिव बाहर निकला ही हुआ है एंड लास्ट स्टेप में ये इधर और ये इधर सो लास्ट वी विल गेट दिस स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक्स विद लॉन्न पेयर और यहां पर हमारे पास प्रेजेंट है ई e और एच पॉजिटिव हमारा जो कि इलेक्ट्रोफाइल है लिविंग ग्रुप है बाहर निकल चुका है दिस इज आवर जनरल मैकेनिज्म फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन फॉर हेलोरिन समझ गया सब बातें वाली नोट कर लेंगे इस चीज को तो चलिए बच्चे अब जरा चेक करते हैं रिएक्शंस ऑफ हेलो दैट इज ई एस आर फॉर हेलो अरिन्स तो सेंटर में मैं बना देता हूँ हेलो अरीन तो दिस इज बेंजीन रिंग ये हेलोजन है एक्स कैन भी क्लोरीन फ्लोरिन ब्रोमीन आयोडीन और सबसे पहले हम करेंगे इसमें हेलोजिनेशन तो एक्स टू एड करेंगे एफ एक्स थ्री की प्रेजेंस में एक्स यहाँ पर होगा क्लोरीन या ब्रोमीन इस प्रोसेस को बोलते हैं हेलोजिनेशन तो आई विल राइट हियर हेलोजिनेशन हमने किया यहाँ पे तो हेलोजन सब्सटीट्यूट करवाता है औरथो और पैरा पोजिशन पे तो हमें दो कंपाउंड मिलेंगे जिसमें एक और प्रोडक्ट होगा यानी कि ये वाला और दूसरा हमारे पास होगा पैरा प्रोडक्ट यानी कि ये वाला एंड ऑब्वियसली इसमें से पैरा वाला मेजर होगा बिकॉज पैरा वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है ऑर्थो में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो पैरा विल बी मेजर एंड ऑर्थो विल बी माइनर ठीक ओके आफ्टर हेलोजिनेशन हम इसमें करेंगे नाइट्रेशन तो नाइट्रेशन करने के लिए हमें चाहिए नाइट्रेटिंग एजेंट जो कि हम यूज करेंगे नाइट्रिक एसिड उसके साथ हम यूज करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट और दोनों के दोनों कंसंट्रेटेड होंगे क्यों होंगे कंसंट्रेटेड क्योंकि हेलोजन जो है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है बेंजीन की रिएक्टिविटी कम कर चुका है ये तो बेंजीन के साथ रिएक्शन करने के लिए हमें चाहिए स्ट्रोंग रिएजेंट तो दे विल बी एक्टिंग एज ए स्ट्रोंग रिएजेंट ओके okay, तो दो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे एक में होगी ऑर्थो कॉन्फिगुरेशन और दूसरे में होगी पैरा कॉन्फिगुरेशन ऑब्वियसली पैरा वाला हमारा मेजर होगा और ये माइनर होगा आफ्टर नाइट्रेशन हम प्रोसेस करते हैं सल्फोनेशन सल्फोनेशन में हम यूज करेंगे SO3 गैस प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का जो कि कॉन्सेंट्रेटेड होगा इसके अलावा हम यूज कर सकते एच टू एस टू ओ सेवन जिसे हम ओलियम कहते हैं क्लियर तो वी विल हैव सब्स्टिट्यूशन एट ओर्थो एंड पोजीशन तो हमें अटैच मिलेगा SO3H थ्री एच ऑन प्लस वी विल गेट SO3H थ्री एच ऑन दी तो ये है सल्फोनेशन रिएक्शन आफ्टर सल्फोनेशन हम एक रिएक्शन करते हैं इसका नाम है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन ठीक है तो आई विल राइट हियर फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन ये दो तरह की होती है इसमें पहली रिएक्शन को कहते हैं एल्काइलेशन एल्काइलेशन इसमें मैं एग्जाम्पल लेता हूं आई विल है प्लस हम यूज करेंगे एन हाइड्रस एल सी एल थ्री दिस विल बी एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट एंड दिस विल बी आवर रिएजेंट। तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे सब्सटीट्यूशन होगा किसका होगा सी एच थ्री ग्रुप का प्लस दिस इज एल्काइलेशन एक्स होगा हमारे पास और पैरा पे लग जाएगा सी एच थ्री तो एल्काइल ग्रुप हमने इसमें ऐड कर दिया है तो इसको कहेंगे एल्काइलेशन आफ्टर एल्काइलेशन हमारे पास एक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं एसाइलेशन इसमें हमारा रेजेंट होगा सी एच थ्री सी ओ सी एल प्लस ए एल सी एल थ्री ठीक है ये चीज हम ऐड करेंगे ऑन बेंजीन रिंग एट ओर्थो एंड पैरा पोजिशन टू हेलोजन तो वी विल दिस पे लग गया प्लस अब इसे ही हम लगा देंगे पैरापोजिशन पर भी ठीक है तो ये हुए हमारे ई एस आर ऑन हेलो अरिंग्स आई थिंक सभी को यह बात समझ में आ गई होगी तो इसे नोट कर लेंगे अब एक लास्ट हम देख लेंगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से बनते हैं इसमें अभी देख लेते हैं इन दिस केस इलेक्ट्रोफाइल हमारा होगा एक्स पॉजिटिव इन दिस केस इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास होगा NO2 टू पॉजिटिव इन दिस केस एस ओ थ्री एच पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होगा इन दिस केस सी एच थ्री पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा एंड इन दिस केस सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा क्योंकि उसी साइड से अटैचमेंट हुआ है ठीक है सो दीज आर दी रिएक्शन फॉर ई एस आर ऑन हेलोअरी समझ के बाद नोट कर लेंगे ओके okay, बच्चों तो आज हम इतना ही करेंगे दैट पॉज फॉर टुडे ओनली ई एस आर फॉर हेलोअरी हमने किया नेक्स्ट uh, हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम थोड़ा पर पढ़ेंगे यूजेज ऑफ दी हेलोवल एंड हेलोअरी ओके okay, तो आज के लिए इतना ही तब तक के लिए स्टे हेल्दी बी सेफ एंड बाय टू ऑल